देश के अंदर में 24 राज्यों की राजधानी में और जिला हेडक्वार्टरों में अलग अलग जगह में जनता जन एकता जन अधिकार आंदोलन के बैनर पे सड़क में आ रहे हैं। और ये मौका है कि मोदी सरकार का अभी 26 मई को 4 साल उसका पूरा होने वाला है। तो इस 4 साल में जो पहले से भी जो लोगों के ऊपर में जो दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका और सारा हदें पार कर दिया है ये 4 साल मोदी सरकार का। First year of this government, when they brought a land acquisition ordinance, in which they said, without the consent of the farmer, the farmland can be confiscated by the collector and give to the industrialist. Then we are on the streets, and we have been able to successfully prevent the government from enacting that ordinance. हम लोग जो है 17 जनवरी से 31 जनवरी तक हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो हमारा 1 फरवरी को समझौता हुआ था सरकार से कि भाई आपकी जो है एक तो 4000 सैलरी फिक्स की जाएगी, जो हमें केवल पहले 1000 दी जाती थी, बाकी भी जो हम काम करते हैं उस पर इंसेंटिव में बढ़ोतरी की गई थी, ना तो हमें उसे लागू किया गया है अभी तक। उस हमारे समझौते को 3.5 महीने करीब हो गए हैं। इस सरकार से हमारी कई बार बातें हुई हैं, हमारा डेलीगेशन कई बार गया हुआ है, हर बार सरकार क्या कह देती है, हफ्ते में या 10 दिन में आपका समझौता पूरा हो जाएगा, उसे लागू कर देंगे, लेकिन 3.5 महीने के बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं चल रही है और वो हर बार हमसे झूठ बोल देती है और हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। We've seen in the recent years it's commercialization of education. You are opening a level playing field so that players, MNCs effectively can enter into the market of education and make revenue out of it, which is a danger. And if you see the entire attack on the people of this country, there is price rise, enormous price rise in various sectors. Joblessness has increased. There is an attack on the Dalits. There have been attacks on minorities, various shades of minorities. तो हमारा 26 सूत्री जो मांग पत्र है जो कन्वेंशन में अडॉप्ट किया है, इसमें अलग अलग तबके का लोगों का मांग है, जैसे न्यूनतम मजदूरी जो 18,000 रुपया, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ में किसानों का न्यूनतम सपोर्ट प्राइस का और लोन वेवर का मांग है, और मनरेगा और खेतिहर मजदूरों का तो न्यूनतम वेतन का और 200 दिन का काम देने का मांग है, फिर महिला आरक्षण का मांग है, फिर दलितों का आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी करने का मांग है, और हर तबके का लोगों का ये मांग इस मंच से उठा रहे हैं। And when there was a notification for banning cattle trade, and when these RSS and these all anti-social elements, namely cow rackets, they started killing in the name of cow, the religious sections, minority section. Then we were there. We fought in the Supreme Court also, and the Modi government was forced to step back, and that notification was withdrawn. के खिलाफ में अलग अलग तबके के लोग तो आंदोलन कर ही रहे थे, जो मजदूर आंदोलन, किसानों का आंदोलन, छात्र नौजवानों का आंदोलन, दलित और अन्य पीड़ित लोगों का, उनका भी आंदोलन अलग अलग चल रहे थे। तो ये सारे आंदोलन, ये दोनों जो सेकुलर है और डेमोक्रेटिक है और वामपंथ है, ये सारे ताकतें एक साथ में एक मंच में आ गया है और ये फैसला किया है कि ये अलग अलग स्ट्रीम का लड़ाई को एक ही साथ में लेके इसको एक पॉलिटिकली इम्पैक्ट होने तक का लेके जाने का एक निर्णय लिया है। बैटल हैज टू बी आल्सो फॉर यूनाइटिंग ऑल ऑफ देम, दैट इज व्हाई दिस जन एकता जन अधिकार आंदोलन, वी हैव सेड आंदोलन इज अ मूवमेंट, इज अ मूवमेंट टू आउट दिस गवर्नमेंट व्हिच इज एट द सेंटर, व्हिच इज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट फोर्सेस, the neoliberal forces, and also serving the interests of the various big bourgeoisie, not only in our country, but also abroad. Janekda Janadhikar Andolan is an organization, a platform of more than 100 organizations.
ट्रेड यूनियंस आर देयर, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, यूथ, स्टूडेंट, वुमेन एंड ऑल्सो आदिवासीज, माइनॉरिटी पीपल, दलित पीपल. सो दिस हैविंग ए 24 मेंबरशिप ऑल ओवर द कंट्री. So we believe that this unity will take shape of a electoral unity as well, maximize the non-BJP, non-Congress forces, and then work for the ouster of this government, give an alternative on the basis of policies. Government should change the policies. If the government is not willing to, then the people will come to change the government. आने वाले दिनों में हर दिन में सड़क में जनता उतरेंगे और या तो सरकार नीति बदले या सरकार को हम बदल देंगे. बड़े बड़े लोगों के मोटर गाड़ी जी.